आज हम लोग जो आपका पहले क्वेश्चंस का डाउट है, चेंज इन पीएसआर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट मेथड हमने किया था लास्ट लेक्चर में, जिसका नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड। बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोगों ने गुडविल का वैल्यूएशंस निकालने का कोशिश किया था, राइट। तो उसमें एक इलस्ट्रेशन है आपके बुक का, जो न्यू एडिशन है 2021 में, वो बुक का इलस्ट्रेशन है, और वो है इलस्ट्रेशन नंबर 5, राइट। इलस्ट्रेशन 5 की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो गया, यस और नो? यस सर। ए एंड बी आर पार्टनर्स फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो ए और बी पहले से पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं है इसमें, इसका कोई काम भी नहीं है, क्योंकि हमारे को अगर देखिएगा लास्ट में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, अभी वैल्यूएशन करना है, अभी एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, तो इन सारे चीजों का काम होगा ही नहीं अभी, राइट। फिर भी दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू अ पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2017। अब ये क्वेश्चन एडमिशन का आ गया इसमें, तो यहां तक को होल्ड करिए, इसका कोई यूज ही नहीं है, बिकॉज जब हमको एडजस्टमेंट करना होगा तब तो यूज होगा। अभी हमारे को वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकाल के बस छोड़ देना है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूएट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स और 4 ईयर, विच एवर इज हायर। पिछले 3 साल या 4 साल में जो भी होगा उसके बेसिस पे, जो हायर होगा उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, 80% निकालेंगे। सिंपल सा बात है। तो हमारे को डेटा तो दिया हुआ है 4 साल का, देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब प्रीवियस 4 ईयर्स का जा रहा है, आपका बात कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2017 को। अगर हम देखें यहाँ पे, आप 17 में हो, यहाँ पे यहाँ है 2017, तो इससे पिछले वाला साल कितना हो गया, 16, उसके पीछे 15, उसके पीछे 14। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीवियस 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स किधर से काउंट करोगे, आगे से या पीछे से, इधर से 1, 2, 3 ये काउंट करोगे या 1, 2, 3 ये काउंट करोगे, ये सवाल है। पहले 4 साल में तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो चारों साल का डाटा आएगा, लेकिन जब सवाल आएगा कि प्रीवियस 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स आज के डेट से, यानी कि 1 अप्रैल 2017 से पीछे जाओगे 3 साल या 14 से आगे आओगे 3 साल, बताइए आप। 17 से पीछे जाओगे, तो अगर हमारा बात करता है, अगर 3 ईयर्स का एवरेज निकालेंगे हम लोग, तो यहां से यहां तक का डेटा आएगा, राइट। 17, 16 और 15 कितना अमाउंट है, देखिए एक बार, अगर हम प्रीवियस 3 ईयर्स का एवरेज निकालते हैं, एवरेज आप निकालोगे 3 ईयर्स का, तो कौन कौन सा डाटा को ऐड करोगे, पहला है 1,20,000 प्लस 76,000 प्लस 80,000, राइट, डिवाइडेड बाय 3। चलिए एवरेज कितना होता है देखिए एक बार, 1,20,000 प्लस 76,000 प्लस 80,000, हाउ मच, कितना हो जाए, 2,76,000, 2,76,000 डिवाइड बाई 3, हाउ मच, डिवाइड करते हैं हम 3 से, 92,000, राइट। एक तो ये हुआ 92,000, अगर 4 ईयर्स का एवरेज लोगे तो कितना होगा, 276 में हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि यही ऐड होगा ना, और 98, टाइम बचाने के लिए 98, राइट, 374 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, 93,500। अब देखो, अब कंपेयर करके देखो क्या कहता है, कि हमारे को 80% का निकालना है एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर, विच एवर इज हायर। तो इस दोनों में से अगर कंपेयर करें, तो प्रीवियस 3 ईयर्स का एवरेज कितना आया था, 92, और 4 साल का एवरेज कितना आया, 93,500। कौन हायर है, 100, 93,500 हायर है, इसका कितना बोल रहा है,
80%, राइट। 93,500 का 80% देखिए कितना होता है, इनटू 80, 74,800, कितना आंसर दिया हुआ है? यस सर, यही है। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पे रिक्वायर्ड किया हुआ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बिना काम का ये सब जो आपको दिया ना, यहाँ तक का बात अभी जरूरत नहीं, हाँ जरूरत पड़ेगा, इस लाइन को अगर हम काट भी दे तो कोई फर्क हमारे को नहीं पड़ता है, बिकॉज हमारा रिक्वायरमेंट अभी है वैल्यू निकालना, अभी एडजस्टमेंट करना है ही नहीं, तो अभी एडजस्टमेंट हमने सीखा ही नहीं है, अभी तो हमको पहले एक बार वैल्यू निकालना शुरू कर देंगे, पैसा का अमाउंट का वैल्यूएशन निकल के हो जाएगा अपने सामने, तभी आगे बात बनेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं तो एक छोटा सा टॉपिक है ताकि आपका वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी चल जाए। देखो क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चंस में एवरेज प्रॉफिट मेथड की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोल सकता है। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हुआ है ना एवरेज, यहाँ पे एवरेज का मतलब है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज में क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं 3 इयर्स का डेटा था, एक साल में 10,000 प्रॉफिट है, दूसरे साल में 20,000 प्रॉफिट है, जो भी आपका प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट आ रहा है, एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करें सब कुछ निकालने निकालने के बाद, और तीसरे साल में आपका 30,000 का प्रॉफिट है, तो एवरेज कैसे निकाला आपने, 10 + 20 + 30 / 3, हाउ मच, 20 + 30 + 30 = 60, 20,000, ये हो गया आपका एवरेज। ये भी ये हुआ एवरेज, बट ये हुआ सिंपल एवरेज जो अभी तक आपने किया। कभी कभी कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा, वो बोलेगा वेट एवरेज करो, के लिए वेटेड एवरेज कुछ नहीं करते हैं, क्वेश्चन दिया रहेगा, ये मान लेते फर्स्ट है आपका, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है एंड थर्ड ईयर है, प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 10,000, 20,000 एंड 30,000, राइट। अभी आपने इसको जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन बोलेगा कि इसका जो वेट है ना, वेट असाइंड रहेगा, कहता है कि पहले साल का वेट जो है ना 1 है, दूसरे साल का 2 है और तीसरे साल का 3 है, ऐसा वेट दे देगा। तो हमको पहले इसको, अगर ये ए कॉलम है और ये बी कॉलम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ए मल्टीप्लाइड बाई बी निकालना पड़ेगा, तो वेट को गुना करेंगे, 10 × 1 = 10,000, 20 × 2 = 40,000 और 30 × 3 हाउ मच, 90,000, इसको सम करेंगे, 9 × 4 = 13 = 14, 1,40,000। अब 1,40,000 को जब डिवाइड करेंगे ना, तो 3 से नहीं करेंगे, कितना से करेंगे, इस वेट को भी ऐड कर देंगे, 3, 2, 5, 1, 6, 6 वेट करना है, 6 से डिवाइड कर दो, यही है आपका वेटेड एवरेज मेथड, कुछ और नहीं है, राइट। तो देख लीजिए एक बार, 140 / 6, 23.33, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है, तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आपको क्रिएट किया जा सकता है, तो देयर इज नथिंग डिफरेंस, केवल आपको क्वेश्चंस बोलेगा कि वेट असाइंड है, तो उसके हिसाब से आपको कर लेना पड़ेगा। देख लीजिए एक बार, हम इलस्ट्रेशन आपको दिखा देते हैं कैसा आपको दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है अपने पास, जो अवेलेबल क्वेश्चन है, 6 तक तो आपको होमवर्क में दिया था, 7 देखिए, 7 में ही है, 7 में आप देखेंगे, द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फोर ईयर वेयर एज फॉलो, 13, 14, 15 एंड 16 प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ थ्री इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, राइट, वेट टू बी यूज 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली फॉर द प्रॉफिट फॉर 2013, 2014, 2015 एंड 2016, तो आपको क्या कर दिया, एक वेट असाइन कर दिया। अभी तक आप क्या कर रहे थे, सिंपल इसको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दे रहे थे, इसका सम किया था और 4 से डिवाइड कर दिया, अब वेट असाइन कर दिया, तो वेट आपको डाल देना है, मतलब भार दे देना है कि इसका वैल्यू बढ़ जाए, राइट। अब वेट का जो प्रोडक्ट आएगा उसको 12, 10 जो आया उसको आप सिंपल 4 से नहीं डिवाइड करके
10 से डिवाइड कर देना, हो गया वेटेड एवरेज, बात खत्म। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 121 आ गया, अब उसके बाद 3 इयर्स ऑफ परचेज है, बात खत्म, हो जाएगा, मुश्किल काम नहीं है। यस ब्रदर्स, बंधु बोलो, ठीक है? यस सर, हो गया। ठीक है, तो इसको वेट असाइन करना है। अभी हम रुकेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड पे ही, हम चेक कर ले रहे हैं कितना क्वेश्चंस आपको इसमें है। नया बुक आपके पास आ गया साक्षी? यस सर, साक्षी नया बुक आया? यस सर, आ गया। तो ठीक है, आप नया बुक के हिसाब से क्वेश्चंस करिए आप लोग फिर, है ना, क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अब मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है इसलिए हम पुराना यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो उससे करिए। हाँ, इसका अभी पार्ट वन ही मिला है, पार्टनरशिप का मिल गया ना अभी? हाँ, बस पार्टनरशिप का मिला। हाँ, तो फिर आप दूसरा भी ऑर्डर में लगा दो, तब तक इसमें अभी एक महीना हम लोग पढ़ेंगे इसको, राइट? सर, एक एनालिसिस वाला है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीन बुक है, तीन बुक है, एक बुक नहीं मिल रहा। हाँ, तो सब मिलेगा, नहीं होगा तो अमेजोन पे ऑर्डर लगा लीजिए, आ जाएगा अमेजोन से। सब मिल जाएगा, नहीं छपा होगा, छप जाएगा, पढ़ो तो सभी। तब तक देखिए, हमारे पास जो इलस्ट्रेशन है उसमें 9 तक आपका काम करना है, तो होमवर्क आपका हो गया 7, 8, 9। आपके बुक में देख लीजिएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड जहां से स्टार्ट हो रहा होगा उससे पहले का सारा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है जी? चलिए, तो जब तक आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का सारा क्वेश्चन नहीं खत्म होगा हम सुपर पे नहीं जाएंगे। नहीं तो अगर हम आपका एवरेज का छोड़ के सुपर पे पहुंच गए तो आप पहुंच जाएंगे ऊपर, हम नहीं चाहते आप ऊपर पहुंचे, नीचे ही रहो, ठीक है? ठीक है जी?